हेलो गाइस, व्हाट्स अप, इट्स अ होस्ट टेक्निकल डॉग्स। और आज के वीडियो में बात करेंगे होंडा एक्टिवा 7G के स्पोर्ट्स एडिशन की, जो 160 सीसी में आने वाली। सारी डिटेल दूंगा, प्राइस, लॉन्च डेट, बाकी सारी चीजें वीडियो एंड तक देखना। म्यूजिक के साथ देखो, मैं आगे चीजें बताता हूं। All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us, like a good drug, yeah. Never run off. We'd hook up in my car, driving so far, play your guitar, you'd show me your art. Let down our guards, think with our hearts, stare at the stars, we were never apart. Drinking too young, way too much fun, out in the sun, orbit when it's gone. Took you to prom, dance to our song, dance all night long till the lights come on. ऑल राइट गाइज, तो अभी तक आप लोगों ने डिज़ाइन देख ही लिया होगा, किस तरह का डिज़ाइन है। डेफिनेटली अच्छा लगा होगा, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। डिज़ाइन अच्छा नहीं लगा तो कोई बात नहीं, कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो कि क्या चीज़ डिज़ाइन में अच्छी नहीं लगी। ओके, तो चलो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं इसके लॉन्च डेट से ही। तो काफ़ी लोग कहते रहते हैं, भाई काफ़ी टाइम से आप वीडियो बना रहे हो मगर अभी तक स्कूटर लॉन्च नहीं हुआ। तो देखो गाइज, ना मैं होंडा से कनेक्टेड हूँ, ना होंडा किसी भी क्रिएटर से या फिर किसी भी मीडिया एजेंसी से कनेक्टेड है। होंडा की ये सीक्रेट चीज़ें होती है कि वो लीक होने नहीं देंगे। अब मान लो होंडा 6 महीने पहले बता देगा कि यार देखो 6 महीने बाद हमारा नया स्कूटर आने वाला है, तो क्या आप लोगों को लगता है TVS और बाकी सारे ब्रांड जो है वो शांति से बैठे रहेंगे और अपना कोई कॉम्पिटिशन में स्कूटर लॉन्च नहीं करेंगे होंडा से पहले, जिससे उन लोगों की सेल्स ज़्यादा होगी। डेफिनेटली इसी की वजह से कंपनी सीक्रेट रखती है, लास्ट मोमेंट तक लीक नहीं होती चीज़ें, स्पेशली इस चीज़ में। और हाँ, 10-15 दिन पहले अनाउंस कर देगी कि 15 तारीख को या 12 तारीख को स्कूटर लॉन्च हो रहा है, उस दिन इतने बजे आप लोग लाइव देख सकते हो। तो इस तरह से होता है सारी कंपनी की मार्केटिंग और ये सारी स्ट्रेटजीज होती है। फ़ोन में भी ऐसा होता है और इसी के साथ साथ हर चीज़ में, मार्केटिंग में, सारी इसी चीज़ों में, हमें भी तभी पता चलता है आप लोगों के साथ। तो गाइस यही चीज़ है। हाँ, वो चीज़ है इवेंट में बुलाने के लिए, हो सकता है 2-4 दिन और पहले अब हमें पता चल जाए, बाकी इसके अलावा ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती। तो गाइस ये मैंने आपको चीज़ क्लियर कर दी। इसी की वजह से जो लॉन्च डेट है वो एक्सपेक्टेड होती है सारी, मतलब एक्सपेक्टेड भी क्या कह सकते हैं, मतलब एक तरह से एनालिसिस होता है कि जो है 6G से 7G के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो 5G से 6G के बीच में जितना डिफरेंस था लॉन्च होने का, उस हिसाब से आता है और उससे भी पहले, और इसी तरह के हिस्टोरिकल फिगर्स। फिर हम देखते हैं अभी दिवाली आने वाली, तो यहाँ पर ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं होंडा को लॉन्च किए, और काफ़ी 3-4 साल हो चुके हैं उसने नया स्कूटर लॉन्च नहीं किया इस तरह से। तो लॉन्च डेट की बात करें तो 2023 के एंड तक इसकी लॉन्च डेट एक्सपेक्टेड है। अब देखते हैं ये तो बेस्ट कैसे है, हमारा बेस्ट एक्सपेक्टेड डेट है ये हमारे लिए। ओके, अब लॉन्च की बात करें गाइस, देख सकते हो इसकी जो स्पोर्ट्स एडिशन होने वाली है उसकी, तो इसमें क्योंकि आपको 160 सीसी का इंजन देखने को मिलेगा, इसकी प्राइसिंग आपको अराउंड 1,40,000 के आसपास देखने को मिलेगी, 1,25,000 से 1,40,000 के बीच में मान सकते हो एक्स शोरूम। और जो ऑन रोड प्राइसिंग होने वाली है ना, उसकी प्राइसिंग की बात करें तो वो अराउंड आपको 1,50,000 के आसपास है, उससे ऊपर पड़ेगी। अब वो डिपेंड करता है आप किस शहर में हो, दिल्ली वगैरह में हो तो आपको ज़्यादा ही पड़ेगी, और बाकी कोई दूसरे शहरों में हो तो थोड़ी सी कम पड़ जाएगी, क्योंकि रूल्स और रेगुलेशंस और इंश्योरेंस और टैक्सेस वगैरह सब हर सिटी में अलग अलग हैं। तो इसी तरह से है गाइस। और अब इसकी टॉप स्पीड की बात करें तो स्पीड लवर्स के लिए है, 120 किलोमीटर पर आर की इसमें टॉप स्पीड देखने को मिल जाएगी आपको, जो कि काफ़ी कमाल की है। और थैंक्स टू द 160 सीसी इंजन, इसी की वजह से इतनी तेज़ स्पीड पॉसिबल है। और इतनी ज़्यादा स्पीड को हैंडल करने के लिए व्हील्स और टायर का साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर देगी होंडा, बॉडी स्ट्रॉन्ग कर देगी। आप डिज़ाइन में देख सकते हो बिल्कुल एरोडायनामिक डिज़ाइन है, तो इसकी वजह से स्पीड में स्कूटर हिलेगा नहीं और डगमगाएगा नहीं। इसी के साथ साथ ही स्टेबिलिटी बनी रहेगी, स्टेबिलिटी के साथ ही लाइट हेडलाइट्स और टेल लाइट्स का डिज़ाइन देख सकते हो, बिल्कुल इस बार मैक्सी स्कूटर का डिज़ाइन है। होंडा को कॉम्पिटिटर, मतलब होंडा को कॉम्पिटिशन देना है अपने बाकी सीरीज़ के जो स्कूटर्स हैं उनके, नहीं बाकी ब्रांड्स के मैक्सी स्कूटर्स वगैरह। और आपको पता है होंडा की रिफाइनमेंट माइलेज वगैरह काफ़ी अच्छी होती है, इसी की वजह से उनको पीछे डेफिनेटली छोड़ देगा। अब मैंने आपको माइलेज के बारे में बताया तो माइलेज भी बता ही देता हूँ, 45 किलोमीटर पर लीटर की इसमें माइलेज देखने को मिल जाएगी। और इसी के साथ साथ जो है वो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पैनल देखने को मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हो। होंडा का कीलेस स्टार्ट टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, मतलब बिना चाबी के आप इस स्कूटर को स्टार्ट कर सकते हो। बटन्स का डिज़ाइन नया हो जाएगा, वाटरप्रूफ बटन हो जाएंगे। काफ़ी लोगों की कंप्लेंट्स आ रही थी कि भाई जो है बारिश की वजह से बटन्स ख़राब हो जाते, तो हो सकता है इस बार होंडा ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर दे और हो सकता है ज़्यादा ख़राब ना हो बटन्स। यहाँ पर चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा आपको, काफ़ी अच्छा स्टोरेज की स्पेस मिल जाएगी, फ़ोन वगैरह रख सकते हो। इसी के साथ साथ गाइस आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। चैनल खोल के देख सकते हो, इस तरह की कई सारी और वीडियोज़ भी है। मैं मिलता हूँ तब तक आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना, और बाय गाइस।